गोल्ड मेडल वाली बहू। सपना के पिता एक गरीब किसान थे। माँ पिता खेत में काम करते तो पीछे से सपना गांव के बच्चों के साथ हॉकी खेलती। एक दिन शाम को, सारा दिन खेलती रहती है, ये नहीं कि छोटे भाई को संभाले। माँ पता है, मैंने आज हॉकी में पास के गांव के लड़कों की टीम को हरा दिया। अरे वाह वाह मेरी बेटी सब्बास, ये ले करो प्यार, जा जाकर टॉफी खा ले। सपना खुशी से पिता के गले लग जाती है और बाहर चली जाती है। अरे तुम इसको बिगाड़ रहे हो, मैं ना इसकी शादी ही करा दूंगी। ऐसा कैसे शादी करा देगी हा? अभी तो उम्र खेलने की है। माँ बड़बड़ करती वहां से निकल जाती है। लेकिन शाम को उन लोगों के घर कुछ लोग आते हैं। अरे राम सुखिया, जरा ये तो बतलाओ सपना के बारे में क्या सोचा है? अरे क्या सोचना है मास्टर जी, पढ़ रही है, जितना पढ़ सकती है पढ़े, फिर शादी करवा देंगे, कोई अच्छा सा गांव का ही लड़का देख लेंगे। अरे तुम तो उसके पिता हो, तुमको कुछ नहीं पता? माँ घबरा जाती है। अरे का मास्टर जी का पता नहीं, का हो गया, हम तो इनसे पहले ही बोल रहे थे कि लड़की की जात है, संभाल लो। अरे भाभी जी आप भी ना कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे सपना क्या खेलती है हॉकी, बड़े से बड़े आदमी भी नहीं जीत पाते हैं उससे। कल गांव में एक टीम आ रही है, लड़कियों की हॉकी खेलने उसे भेज देना, वहां शायद कुछ बात बन जाए। अरे ना ना मास्टर जी, कोई खेल वेल नहीं करवाना हम लोगों को, वो भी शहर के लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना, शहर के लोगों को ना कोई भरोसा नहीं होता मास्टर जी। अरे कैसी बात कर रही हो सपना की माँ, बुरा आदमी तो हर जगह मिल जाएगा, उसके लिए शहर का और गांव का। हाँ हाँ मास्टर जी हम लोग तैयार है, कल आ जाएगी सपना वक्त से। माँ के लाख मना करने पर भी पिता सपना को हॉकी टीम के लिए भेज देते हैं। शाम को सपना वापस आती है लेकिन लटके मुंह से। और क्या हो गया, मार खाई हो का? कौन मारेगा हमें, कोई मार वार खाकर नहीं आए। अरे फिर सकल पर 12 क्यों बजे हैं बताओगी? देखो माँ आप समझोगी नहीं, बताकर फायदा क्या है? अरे बिटिया रानी हम तो समझेंगे ना, हमें ही बता दे। सपना पापा के गले लग जाती है। पापा मैं ना सिलेक्ट हो गई हूँ भारत की हॉकी टीम में खेलने के लिए। अरे वाह ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे बच्चे, फिर मेरी गुड़िया काहे परेशान है? पापा मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए। माँ जो सारी बात सुन रही होती है जोर से चिल्लाती है। एक पैसा नहीं है मेरे पास समझे, कुछ नहीं दूंगी, शादी के लिए लड़का फाइनल भी कर दिया है, कल्ले का बेटा वो शादी कर लेगा तुमसे। सपना पिता की ओर देखती है। अरे देख सपना, खेलने दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसी शर्त पे कि आकर कल्ले से बेटे से चुपचाप शादी कर लेगी, बोल। अरे ठीक है ना, कल्ले का बेटा तो बहुत ही समझदार है, सरकारी नौकरी है उसकी, मान गया वो तो सपना शादी कर लेगी। सपना भी धीरू जो कि कल्ले का बेटा था उसे जानती थी, वो मन ही मन सोचती है कि शादी तो वैसे भी होनी है, लेकिन माँ की ये शर्त मान गई तो जीवन जीने का एक मौका तो जरूर मिलेगा। हाँ हाँ मुझे मंजूर है। तो कल मैं उन लोगों को बुला लूँ। पिता और सपना दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब माँ ठीक है ना, बुलाने की क्या जरूरत है, वो लोग पसंद कर रहे हैं ना मुझे, वही ठीक है, बस आप तो मेरा दिल्ली का बैग पैक कर दो। सपना दिल्ली जाती है दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए। सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है। जब वो गांव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है, हर कोई सपना सपना चिल्ला रहा होता है। और सपना के पापा, तुम्हारी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया है, गांव की तरफ से तुम लोगों को गांव में पक्का मकान और सपना को परिषद में पक्की नौकरी देने के लिए हम तैयार है। अरे वाह वाह पक्का मकान, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें। हाँ कैसी बात कर रही हो सपना की माँ, लड़की की नौकरी रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़ेगी। अरे चुप रहो, हम तो नौकरी ना करते हैं पर मजाल है कि किसी के आगे झुके हो, ना ना हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी। पिता लाख समझाते हैं लेकिन माँ नहीं मानती।
और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सपना को अपने कहे अनुसार लड़के से शादी भी करनी पड़ती है। ससुराल में, ए बहू, तू रोज रोज सुबह कहाँ जाती है? घर का सारा काम निपटा कर कहाँ भागती है? माँ का घर तो पास ही है, वहीं निकल जाती है क्या? नहीं माँ जी, मैं हॉकी खेलने जाती हूँ, मुझे खेलना पसंद है। खेलना पसंद है? अरे कैसी बात कर रही है बहू, शादी के बाद तो कोई लड़की खेलती फेलती नहीं है, वो घर का काम काज देखती है। सपना कुछ नहीं कहती। वो एक रोज कमरे में अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तब, सुनो, वो जो लटक रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे, मेडल। सपना पति की बात सुनकर खुश हो जाती है, उनके पास जाती है। मैं सोच ही रही थी कि तुमने कभी पूछा क्यों नहीं, ये मेडल है, मैंने जीता है। पता है, हॉकी में बड़ा मैदान, बहुत से लोग, दो टीम और फिर शुरू होता है जुनून। पता है, लगता है जैसे बस जिंदगी यही है, खेलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो और लक्ष्य को पालो। सुनो ना, मैं ना भारतीय टीम के लिए खेलना चाहती हूँ। माँ, माँ, ए माँ, यहाँ तो आ जरा। सपना हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया, पति अचानक से माँ को क्यों बुला रहा है। हाँ बेटा, क्या क्या हो गया, काहे गला फाड़ रहे हो? माँ, ये सपना क्या कह रही है? अरे बीवी तो बोलती ही रहती है बेटा, लेकिन क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसा क्या बोल दिया इसने? माँ ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारतीय टीम के लिए। सपना डर जाती है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मैं बोला था ना, शादी के बाद कोई खेलता नहीं, घर का काम काज देखता है, लेकिन फिर भी। नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, मैं घर का काम देखूंगी, कल से मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी, माफ कर दीजिए। सपना पति की तरफ देखती है जो माँ की तरफ देख रहा होता है। उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन करती भी तो क्या, सास के सामने कैसे पति की क्लास लगाती। अरे बेटा, अब क्यों घूरे जा रहे हो बहू को? माँ, अभी इस बात का फैसला करके जाना, वरना ये तो तेरे कमरे से जाने के बाद मुझे। अब चुप हो जाइए आप, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। छोटी सी बात? बहू, ये कोई छोटी बात नहीं है, जो लड़की दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल ला सकती है, वो देश के लिए भी तो गोल्ड ला सकती है ना। हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है बहू, घर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए सपना चाहिए। जा बहू, तेरी ट्रेनिंग का सारा इंतजाम तेरे पति ने कर दिया है, जा खेल और देश का नाम रोशन कर। सपना की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि बेटियों को मायके के साथ अगर ससुराल में भी सहयोग मिले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती है। गूंगी बहू, अंधी सास। एक परिवार में 5 लोग थे, ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी, घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती, और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। भावना, तुमको एक बार में समझ में नहीं आता क्या, नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा, इसको कहीं बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं, बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो, इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती, और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर।
सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं। आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो, कहाँ गई थी तुम? पापा वो सहेली के घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा ठीक है जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा, और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मामा जी का फोन आया था, उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है, लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा अब जिद क्यों कर रहे हैं, और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ इसको समझाइए ना, आपकी बेटी आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूँ, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा, वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू देखो तो प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है, क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ, वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो। सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ देखिए आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो। आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा, सुमित्रा समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से, सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। भावना प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस तरह से तो आपकी बेटी की शादी किसी से नहीं हो सकती। जिसके घर की औरतें गूंगी और अंधी बनकर बैठ जाए, उस घर का कुछ नहीं हो सकता। ओम प्रकाश और राहुल सुमित्रा और भावना की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। पापा समझ में नहीं आता कि भावना और माँ को कैसे समझाया जाए। सही कहते हो बेटा, तुम और मैं काम के सिलसिले में सारा दिन घर के बाहर रहते हैं, और घर की दोनों औरतें जिन्हें सारा घर संभालना चाहिए, गूंगी और अंधी बनकर बैठी हैं। पापा आप ही बताइए इसका क्या उपाय है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की वजह से प्रियंका बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तुमने देखा उसे किस तरह से बिहेव किया था। अरे लेकिन पापा हम करेंगे क्या? हमें एक नाटक करना होगा, कुछ दिनों के लिए हम भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं, उसके बाद इन दोनों औरतों को अकल आएगी। हाँ पापा शायद आपकी बात ठीक है, हम दोनों हर बार बात को संभाल लेते हैं, और इसी वजह से माँ और भावना कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर अगले दिन, भावना नाश्ते में क्या बनाया है? जी पराठे बनाए हैं। मेरे लिए पोहा बना दो। अच्छा जी ठीक है, अभी बना देती हूँ जी। बहू नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी पराठे हैं और पोहे बन रहे हैं। अरे बहू मुझे तो उपमा खाने का मन था, मेरे लिए उपमा बना दो। ठीक है पापा जी अभी बना देती हूँ। भाभी जल्दी से जरा मेरा कॉलेज का टिफिन तो पैक कर देना, और सुनो मुझे ना भिंडी की सब्जी खाने का मन है।
सुमित्रा चुपचाप बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और ये देखकर भावना को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसे लग रहा था कि ओम प्रकाश जी जो हमेशा उसकी साइड लेते थे वो भी आज चुपचाप बैठे हुए थे। शाम के वक्त प्रियंका अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर घर आती है और उधर दूसरी तरफ से राहुल भी अपने ऑफिस के दोस्तों को लेकर घर आ जाता है। प्रियंका अपने कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर डांस करती है और राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। प्रियंका और राहुल मिलकर पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन भावना उनसे कोई शिकायत नहीं करती और सुमित्रा जी भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर रात को ओम प्रकाश और राहुल एक दूसरे से बातें करते हैं। पापा, हमने इतना कुछ किया फिर भी भावना कुछ बोलती ही नहीं और माँ भी कुछ गलत करने से किसी को रोकती ही नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, इन दोनों के अंदर का गुस्सा भर रहा है और बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। अगले दिन, अरे बहू, ये कपड़े धुले हैं या गंदे हैं? पापा जी, कपड़े तो मैंने धोकर ही आपकी अलमारी में रखे थे। मुझे तो साफ नहीं लग रहे, एक बार और धो देना। प्रियंका, मैं सोच रहा था कि तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है ना, मत करो। एक काम करो, वैसे भी क्या रखा है शादी वादी में, तुम्हें जो लड़का पसंद है उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। इस बार ओम प्रकाश और राहुल की बात सुनकर भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा जाग उठता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे परेशान करती ही रहेंगे। कल चार चार बार मुझसे नाश्ता बनवाया, आज पापा जी मुझसे धुले हुए कपड़ों को बार बार धुलवा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ जी, कोई मशीन नहीं हूँ। तुम दोनों ने मिलकर इस घर की कैसी हालत बना दी है और अपनी बहन को भाग कर शादी करने के लिए कह रहे हो, तुम भाई हो या दुश्मन? ओम प्रकाश और राहुल जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं जी, तुम लोगों को ऐसी हरकत करने के बाद भी हंसी आ रही है, ये क्या कर रहे हैं जी आप दोनों? यही तो हम चाहते थे कि सुमित्रा तुम अंधी होकर ना बैठी रहो, घर में कुछ भी गलत हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। और भावना, तुम अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार पर भी कभी मुंह नहीं खोलती, ये सही बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम्हारी भी जुबान खुले, तुम गलत बात का विरोध करो। गूंगी बहू और अंधी सास की ये जोड़ी इस घर में अब नहीं चलेगी।